हे हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग डाल रहा हूँ, और ब्लॉग भी क्या डाल रहा हूँ, मतलब ये दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसकी अभी छत में खड़ा हूँ, और यहाँ से कैसा व्यू इधर उधर का नज़ारा है वो आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक छोटा सा ब्लॉग टाइप का बना देता हूँ। इसमें नीचे रेस्टोरेंट है, ये नीचे जो मतलब सब, मैं अभी छत में, इसकी छत में खड़ा हूँ और नीचे इसमें रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का वीडियो आगे कभी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ का नज़ारा आप देख लो कैसा है क्या है। तो गाइज़ ये अपनी छत है, और ये अपना यहाँ से दरवाजा ऊपर आने का। यहाँ पे लड़के लोग रहते हैं, इसलिए सबके जो कपड़े वगैरह हैं वो इधर रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ लड़के यहीं रहते हैं, मतलब यहीं सोते हैं। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ कैसा है। वो जो आप सामने देख रहे हैं ये रेल की पटरी है और ट्रेन की पटरी, यहाँ से अगर ट्रेन कोई आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ट्रेन की पटरी, वो देखो किस्मत से आ भी गई है ट्रेन। तो भाई ये आप देख सकते हैं, अभी ट्रेन आ चुकी है। तो गाइज ये जो है, ये है भगत सिंह चौक जो सामने दिख रहा है, ये भगत सिंह चौक है, रानीपुर मोड़ बोलते हैं लोग, लेकिन अगर इंग्लिश में बोले तो रानीपुर मोड़ होता है। तो भाई ये है भगत सिंह चौक, और ये जो आप इस साइड में देख रहे हैं, ये है चंदेला होम्योपैथी, जिनकी गाड़ियां नीचे लगी हुई हैं, और वो मेरी गाड़ी लगी हुई है जिक्सर, देख सकते हैं आप ये वाली। और ये हमारा नीचे रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी दिखेगा नहीं यहाँ से, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा रखा है। और सामने आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने में। और ये हमने तिरंगा लगाया था, लेकिन तिरंगा उसमें अटक गया, इसको मैं बाद में सही कर लूँगा, ठीक है जी। और ये आगे पीछे कॉलोनी है, और मौसम बहुत गजब का हो रहा है भाई साहब, मौसम बहुत गजब का हो रहा है, देख सकते हैं। तो जी ऐसा कुछ व्यू दिखता है यहाँ से, आप देख सकते हैं पीछे जो भगत सिंह चौक मैंने आपको बताया था, वो पीछे भगत सिंह चौक है। अभी मैं यहाँ पे छत में हूँ और वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, सॉरी यार, डालूंगा वीडियो, इस चैनल पर रेगुलर आऊंगा, लेकिन ड्यूटी का टाइम थोड़ा अलग हो चुका है, दिन की 12 बजे से लेके रात की 12 बजे तक, माई गॉड, मैं कर रहा हूँ, बस यही सोचो कि कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बैठा नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए आएंगी, रेगुलर डालूंगा वीडियो। मेरा जो दूसरा चैनल है वो भी खत्म हो चुका है गाइस, पावर सजान वाला चैनल, वहां पर भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। दोनों चैनल मोनेटाइज हैं, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जबकि यार लोगों को इतना टाइम लगता है मोनेटाइज करने में अपना चैनल, लेकिन मैं खुद मोनेटाइज चैनल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं ना कि मेहनत बहुत जरूरी है, अगर तुम इस पर एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। चैनल तो मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन उन पर काम करना एक बहुत बड़ी बात है। चलो इतना ही आपको बताना था, दिखाना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।